ऑटोमोबाइल की जानकारी पाने के लिए क्लिक कर दीजिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशंस को सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भोला मैकटेक में। मैं हूं चेतन भोला और आज हम देखने वाले हैं स्पीडोमीटर के बारे में। बेसिकली ये जो स्पीडोमीटर है, ये मेरी बाइक का स्पीडोमीटर है। तो इसमें मैं बताऊंगा सबसे पहले स्पीडोमीटर कैसे काम करता है, और डिस्टेंस मीटर, ओडोमीटर जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। बेसिकली ये कोई डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं है, ये नॉर्मल एक मैकेनिकल स्पीडोमीटर है। आप देख सकते हैं नीचे जो छोटी सी स्क्रीन चल रही है उसमें, कि इसका कुछ अंदर का मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मैकेनिकल स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पीडोमीटर से। तो एक जो व्हील होता है हमारा, फ्रंट व्हील, अगर मैं टू व्हीलर्स की बात करूँ तो फ्रंट व्हील जो होता है उसके अंदर एक गियर मैकेनिज्म से एक वायर अटैच होती है। तो जितने तेज तेज वो हमारा व्हील घूमता आगे का, उतनी तेज वो जो वायर उसके अंदर लगी होती है वो भी घूमने लगती है। तो क्या होता है कि अंदर क्योंकि गियर मैकेनिज्म है, तो जिसकी वजह से जितनी तेज वो घूमेगा उतनी तेज वो वायर घूमेगी, तो पूरी वायर ऐसे करके रोटेट कर रही होती है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो है इसके पीछे वाले पॉइंट पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे वाले पॉइंट पर जो है, यहाँ पर आके वो वायर लगती है। पीछे वाला पॉइंट है वो जो, ये सर्कुलर नहीं है, मतलब इसके अंदर एक स्क्वायर का कट एक्सट्रूड हो रखा है। तो मतलब कि एक स्क्वायर का स्लॉट बना हुआ है, और जो वायर होती है जो टायर में लगी होती है उसके ऊपर भी जो एंड होता है वो भी एक स्क्वायर एंड होता है, जिसकी वजह से जो वो वायर है वो इसमें आके अच्छे से फिट हो जाती है। तो जैसे वो वायर इसमें फिट होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ रोटेट कर रही है और ये एक स्क्वायर एंड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी तेज़ वो रोटेट करेगी उतनी तेज़ ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो स्लॉट है वो फ्री है इसके अंदर, इस ऊपर वाले होल के अंदर एक स्लॉट जो है वो फ्रीली मूव करने वाला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको स्लॉट दिख रहा है वो फ्रीली रोटेट करेगा। तो जो स्लॉट है ये अंदर से आप देखोगे तो यहाँ से आता हुआ, ये जो हमारा कॉपर का देख रहे हो, ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये एक बेसिकली एक शेल है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक ये शेल है। तो जैसे जैसे वो आपकी वायर रोटेट करती है वैसे वैसे आपका ये शेल रोटेट करने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये पूरा एक तरह से कनेक्टेड हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं शेल के अंदर भी एक दूसरी शेल है। तो आप देख सकते हैं ये जो अंदर वाली शेल है दूसरे कलर की है, एल्यूमिनियम की है। तो ये जो दूसरी शेल है वो इसके ऊपर कुछ फ्लोटिंग टाइप से अरेंज है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका शेल रोटेट करता है वैसे वैसे उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो भी रोटेट करने के लिए टेंड करता है। लेकिन क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो शेल है वो स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो इसकी वजह से जो स्प्रिंग की जो फोर्स है उसे रोक के रखती है। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगी वैसे वैसे आपके अंदर वाली जो शेल है वो रोटेट करने की कोशिश करेगी। देखो ये दिख रहा है आपको, तो ये इस तरह से काम करता है। तो जो अंदर वाला जो शेल है, जो फ्लोटिंग शेल है, वो क्या है कि वो जो ऊपर की जो आपको स्पिंडल दिख रही होगी, ये जो पूरी एक शाफ्ट सी है, ये ऊपर आपके नीडल से कनेक्टेड होती है। तो जैसे जैसे आपका वो वायर, ये पूरा जो शाफ्ट धीरे धीरे करके डिस्प्लेस करेगी, वैसे वैसे आपकी जो नीडल है वो भी डिस्प्लेस करने लगेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि टायर जितनी तेज घूमेगा उतनी तेज आपकी वायर घूमेगी, जितनी तेज आपकी वायर घूमेगी उतनी तेज आपका ये स्लॉट घूमेगा, और जितनी तेज आपका स्लॉट घूमेगा उतनी तेज ये कॉपर का शेल घूमेगा, और जितनी तेज ये कॉपर का शेल घूमेगा उतनी तेज जो इसके ऊपर जो एल्यूमिनियम की शेल लगी है वो टेंड करेगी घूमने के लिए, लेकिन वो घूमेगी नहीं, वो डिस्प्लेस करेगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा उसके अंदर, तो जितना वो एंगुलर डिस्प्लेस करेगी उतना ज्यादा आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा आपके इस नीडल में। तो कुछ इस तरह से काम करता है आपका स्पीडोमीटर। चलिए तो अब बात करते हैं इसके ओडोमीटर के बारे में। आप यहाँ पे कुछ कई सारे नंबर्स देख रहे हैं, ये जो नंबर्स हैं ये सब कुछ दिखाएंगे ओडोमीटर के बारे में। तो ओडोमीटर में होता क्या है, ओडोमीटर बेसिकली हमें बताता है कितना डिस्टेंस आपकी जो भी व्हीकल है उसने कवर कर लिया है। तो क्या होगा कि आपका जो फ्रंट व्हील है वो जितनी तेज रोटेट करेगा उतनी तेज आपका ये रोटेट करेगा। तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेल रोटेट करेगी, और शेल के बाद अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं, शेल के बाद आप अगर एक नीचे व्हाइट कलर की शाफ्ट से देख रहे होंगे, तो जो व्हाइट कलर के शाफ्ट है इसमें यहाँ पे जो बीच में गेयर्स बने हुए हैं, तो जितनी तेज अगर आपको ये कॉपर वाली चीज रोटेट करती है उतनी तेज यहाँ पे गेयर्स हैं थ्रेड से, जैसे जैसे कॉपर की शेल रोटेट करेगी वैसे वैसे गेयर्स रोटेट करने स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे गियर रोटेट करेगा आप देखेंगे यहाँ पे ये जो दूसरा गियर है वो लगा हुआ है, ये स्क्वायर टाइप का एक गियर है,
इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आपका इरोटेट करेगा उस हिसाब के अंदर यहाँ पे जो अंदर गियर्स लगे हैं वो आपका रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ गियर्स लगे हुए हैं, तो जैसे जैसे गियर्स रोटेट करते हैं वैसे वैसे आपका ये जो मीटर है आप देख रहे हो, थोड़ा सा हिला के भी दिखा रहा हूँ मैं, तो ये जो गियर है ये आपका रोटेट करने लगेगा, तो इसकी वजह से जो आपका है यहाँ पे मीटर में रीडिंग देखने को मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा कैलिब्रेटेड होता है, जो अगर आप एक बाइक के लिए यूज़ करते हैं वो हर बाइक के लिए यूज़ नहीं करते। अगर आप मैं इसी मीटर को स्कूटी के मीटर में लगाता हूँ तो ये गलत रिजल्ट्स दिखाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूटी का टायर होता है छोटा, तो अगर छोटा टायर होगा तो एक रिवोल्यूशन में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसलिए जो कैलिब्रेशन है वो सही से नहीं हो पाएगी इसके साथ। तो ये अगर एक टायर के लिए बनाया गया कि इतने बड़े टायर के लिए होगा तो उसी के अंदर ये बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है, वरना थोड़ा बहुत एरर आना पक्का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे स्पीडोमीटर कैसे ऑडोमीटर काम कर रहा है एक आपकी व्हीकल का। तो अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। विद इन 24 आवर्स में उनका मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और अगर आपको कुछ सुझाव हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और शेयर करते रहिए प्लीज़।